Assalamualaikum, welcome to Nation of Pakistan. My name is Muhammad Shail, और आप देख रहे हैं Nation of Pakistan. आज मैं डिस्कस करूँगा iPhone के हवाले से. तो iPhone आजकल बहुत से पीपल यूज़ करते हैं और सभी इसको बहुत लाइक करते हैं. और आप जानते हैं iPhone के नाम से ही कि iPhone कितने कॉस्टली होते हैं. तो ये दूसरे मोबाइल से डिफरेंट होते हैं. इनमें प्ले स्टोर वगैरह भी, आपको इनमें ऐप्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, और जो इसका ऑल फंक्शन यानी डिफरेंट होते हैं. और इसकी प्राइस भी 70, 80, 90 लाख तक और इससे भी अबव होती है. तो रिसेंटली अभी कुछ मंथ हो गए होंगे, आईफोन 10 आया था. आई थिंक आईफोन 10 ही था जिसमें चार्जिंग का पोर्ट तो दिया गया था, लेकिन हेडफोन के लिए उसमें आपको कोई पोर्ट देखने को नहीं मिलता. तो आप ब्लूटूथ तो यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ हेडफोन, लेकिन पोर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. आईफोन वो था भी लाख का, तो इतना कॉस्टली और हेडफोन के लिए पोर्ट नहीं. तो आईफोन जब ही लॉन्च होता है कोई ना कोई गड़बड़ कर जाता है. तो इससे पहले आईफोन 7 और इसी तरह काफ़ी है जिनमें फेस स्कैनर था, यानी आप अपना जो लॉक है फिंगरप्रिंट के बजाय अपना फेस स्कैन करके लगा सकते हैं. तो वो ट्विंस का किया गया, हालांकि उनमें थोड़ा सा फ़र्क था, डिफरेंस था, लेकिन वो खुल गया. यानी इस तरह तो नहीं होना चाहिए. तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क था ट्विंस में, लेकिन इतना नहीं था, फिर भी खुल गया. हालांकि ट्विंस जो हैं वो आपको होता है थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है. तो इसी तरह अगर आपने उस पर अपना लगाया होगा फेस लॉक, तो पहले तो बात जल्दी कोई ऐसा होगा ही नहीं जो ट्विंस हो. और अगर आपका भाई वगैरह ट्विंस है तो वो तो खोल सकते हैं बहुत ही आसानी से. तो इसी तरह आईफोन जब ही आता है कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करता है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आईफोन को भी सैमसंग की ज़रूरत है. अब आईफोन लॉन्च हुआ तो उसकी जो स्क्रीन थी वो बिल्कुल कर्व वाली थी, जो कि ओनली सैमसंग उसको मेड करता था. तो वो भी उन्होंने सैमसंग से बाय की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसकी जो डेट थी लॉन्च की वो भी डेट हो गई, लेट हो गई. तो इसी तरह आईफोन मैं भी लाइक करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त होते हैं आईफोन दूसरे मोबाइल से. लेकिन एक तो वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसका उतने पैसे पे करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने क्या इतने पैसे अच्छी चीज़ के लिए पे किए हैं. तो यही थी मुझे मेरी आज की वीडियो. तो इंशाल्लाह न्यू वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे. मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू लेटेस्ट वीडियो सेंड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए. तो आज के लिए इतना ही. न्यू वीडियो में दोबारा मिलूँगा. अल्लाह हाफिज़.